क्या सेकेंड नंबर देते हैं, क्या कह रहा है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद, देखते हैं हमें रूट्स भी निकालना है और यहाँ पे इसके के का वैल्यू भी निकालना है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पर इक्वल रूट्स हो जाए। तो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 16 इक्वल टू 0। यहाँ ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है के और सी का वैल्यू है 16। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सिर्फ इक्वल रूट्स भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0 हो जाए, के का स्क्वायर -4 × 1 × 16 = 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं के स्क्वायर माइनस का 64 = 0, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर जाएगा रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस √16, यानी के का वैल्यू हो जाएगा +-8। दोनों को एक एक करके रखते हैं। चलिए इवन के इक्वल टू में 8 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 16 का इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर यहाँ +4 का स्क्वायर देते हैं और प्लस में 2 × x × 4, ये करेंगे सॉल्व तो यही ना आ जाएगा। तो ये आपका x + 4 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगा एक्स का वैल्यू -4 - 4, दो टर्म बार -4 - 4 ही आएगा। चलिए समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए When k = -8, और -8 होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x + 16 = 0। सेम वही प्रोसेस, बस निगेटिव में होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x + 4 + 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ ये x - 4 का स्क्वायर = 0, यानी यहाँ से आएगा x का वैल्यू 4 4 2 टाइम्स 4 4 है। समझ गए, तो यहाँ पर ये रूट्स इसके आ जा रहे हैं। समझ गए, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन